बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि आप मुझे ज़रूर याद रखोगे। तो सबसे पहले हमने लेना है आधा किलो गुड़। गुड़ को एक पतीले में डालें। पतीले में डालने के साथ साथ इसमें पानी डालें और पानी डालने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसको एक चूल्हे पर रखें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। चूल्हे पे रखने के साथ साथ इसको अच्छी तरह बॉईल करें और मेन जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें जो ये स्टार्च है ये इससे निकाला जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इससे स्टार्च निकाला। स्टार्च निकालने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ये अब हमारे पास बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने लेना है 3 किलो आटा और आटे में हमने 1 टेबल टीस्पून डालना है यीस्ट यानी खमीर। खमीर के बाद हमने इसमें डालना है 1/2 टेबल टीस्पून सोडा और सोडा डालने के बाद हमने 1 मुट्ठी भर के नमक डालना है इसमें। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, हसबी ज़रूरत। और इसके बाद हमने इसमें डालना है 1 कप तेल या घी, आपके पास जो भी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद हमने जो शीरा लिया था गुड़ से वो तकरीबन इसमें जाएगा 10 कप या 8 कप, जितना भी आपको मीठा पसंद है। इधर मैंने लिया है 8 कप। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें जो गुड़ का शीरा है वो डाल रहा हूँ इधर। शीरा डालने के बाद इसको अच्छी तरह गूंद लें हाथों के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह गूंद रहा हूँ। तो जी मेरे प्यारे दोस्त आप देख सकते हैं कि हमने आटे को गूंद दिया अच्छी तरह। इसके बाद इसको एक सेपरेट पतीले में डालें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक सेपरेट पतीले में अभी डाला। पतीले में डालने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे 1 कपड़ा और कपड़ा रखने के बाद इसको 50 मिनट तक इसी तरह रखें। 50 मिनट के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गया है, माशाल्लाह ये हमारे पास बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद हम इससे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे स्मॉल साइज के। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अभी इससे छोटे छोटे पेड़े बना रहा हूँ। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पेड़ बनाए। इसके बाद हमने इसे करना है बेल। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह बेल कर रहा हूँ। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह बेल लिया। इसके बाद हमने लेना है 2 किलो ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें। तेल हमारे पास गर्म हो गए, अब हम इसमें डालेंगे अपना जो पीस है वो। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बेल हुआ पीस डाला।
आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने पेस्ट डाला, आप देख सकते हैं, और इसको अच्छी तरह एक साइड से दूसरी साइड पैक कर लें। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अब हमारे पास अच्छी तरह पक गया है, तैयार हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।